ice market, the all of the Asia number one, the ice and very colorful street. Stop by walking, looking, the photograph, then again my helicopter, I show me small street also. रिक्शा चलाने वाले लड़के की अंग्रेजी सुन हिल जाएंगे आप। फर्राटेदार अंग्रेजी से विदेशी ग्राहकों को भी कर दिया हैरान। बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद निकला अंग्रेजी का बाप। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही इंग्लिश बॉय की वीडियो। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, लेकिन ये कुछ सामान के आविष्कार तक ही सीमित नहीं रह जाती, बल्कि कई बार भाषाओं में भी काम आ जाती है। मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ की भाषा आपको बिल्कुल भी नहीं आती और आपको साधारण से दिनचर्या को काटने के लिए भी बिना उस भाषा के इस्तेमाल के रहना नामुमकिन है। ऐसे में आप क्या करेंगे? चाहे तो आप उस जगह से निकल जाएंगे या फिर उस जगह की भाषा को सीख जाएंगे और जिंदगी बिताना शुरू करेंगे। एक वीडियो सोशल मीडिया पर हर किसी को हैरान कर रही है, लेकिन शायद ये हैरान करने वाली बात नहीं है। सुनकर आप भी सोचेंगे कि बिना पढ़ा लिखा लड़का और विदेशियों से अंग्रेजी में बात कर रहा है। भले ही टूटी फूटी अंग्रेजी, लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और फर्राटेदार। एक बार पहले आप उस लड़के की अनोखी कला को देख लीजिए। मॉस्क, द बिगेस्ट मॉस्क इन इंडिया, जामा मस्जिद एंड आल्सो वेरी नैरो लाइन द स्मॉल स्ट्रीट। सो एनीवेयर टेक फोटोग्राफ, स्टॉप एनी बाय समथिंग, एनी स्टॉप, नो प्रॉब्लम। सो नाउ फर्स्ट गो टू द स्टार्टिंग स्पाइस मार्केट एंड द स्पाइस मार्केट द ऑल ऑफ द एशिया नंबर वन द स्पाइस एंड वेरी कलरफुल स्ट्रीट। स्टॉप बाय वॉकिंग, looking the photograph, then again my helicopter, I show me small street also. Understand? Yeah. Let's go. Yeah. Thank you. Nice video. Thank you, bhai. Where are you from? UK. Oh, yeah. Chicken tikka masala. Chicken tikka masala. Nice. Bye. Bye. Nice to talk to you. जानकारी के लिए बता दें ये वीडियो चांदनी चौक का है। देश भर में कई हजार की भीड़ में विदेशी लाल किला या चांदनी चौक घूमने दिल्ली आते हैं। उन्हें वहाँ लोगों से हिंदी में बातचीत करने में दिक्कत आती है, क्योंकि विदेशी हिंदी न समझ पाते हैं और न बोल पाते हैं कुछ के अलावा। दूसरी तरफ वहाँ पर मौजूद काम करने वाले, चाहे वो रिक्शा वाले हो, दुकान वाले हो, अगर वो अंग्रेजी नहीं बोल पाते तो सामान बेचने में या अपना काम निकलवाने में दिक्कतें भी आती है। और इन्हीं परेशानियों का सामना करते हुए बेहतर तरीके से उस भाषा को समझ ले और बोल ले, इसी में भलाई होती है। इसी तरीके को अपनाते हुए ये रिक्शे वाला लड़का भी अंग्रेजी सीख लेता है। और कितनी अजीब सी बात है कि जो भाषा आपको जिंदगी में स्कूल नहीं सिखा सकी, सारे शिक्षक नहीं सिखा सके, वही कंधे पर जिम्मेदारी आते ही आप इंग्लिश बोलने लग जाते हैं। आपको जिंदगी के संघर्ष और मजबूरी आपको इंग्लिश सिखा देती है। इस वीडियो को लोग भरपूर शेयर कर रहे हैं और उसकी वजह खुद इस लड़की की ये कोशिश, ये प्रयास है। जहाँ भले ही वो इंग्लिश ना बोल रहा हो, टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहा हो, लेकिन कम से कम इसी बहाने उसका गुजारा हो रहा है। और ऐसे लोगों के लिए मिसाल है जो पढ़कर भी ये काम नहीं कर पाते, अंग्रेजी बोलना मुश्किल हो जाता है। अंग्रेजी भाषा सीखना या बोलना बहुत जरूरी नहीं है। जहाँ कुछ लोगों ने आज इसे फैशन बना लिया है, वहाँ ये सिर्फ उन लोगों पर ज्यादा जरूरी हो जाता है जहाँ आपको उस शख्स से बात करनी हो जिन्हें हिंदी समझ नहीं आती, जैसे कि हमारे देश में आने वाले बाहर से देश के मेहमान। इतना ही नहीं, कई बार आपने विदेशी को भी हिंदी बोलते देखा होगा, क्योंकि वो भी इस बात पर भरोसा रखते हैं कि अलग अलग जगह घूमने और एक्सप्लोर करने के अलावा दूसरे भाषाओं को सीखने से भी अपना ही विकास होता है। और इस लड़के ने शायद इस बात को समझ लिया है।